Hello friend, hope you all will be fine. Welcome to my channel. In this video tutorial, I am going to talk about software code. Basically, there are two types of code. One is source code and the other is object code. What is source code and what is object code? Source code, friend, jab hum computer ki computer program ki baat karte, to program is the set of instructions that tells the computer that what to do and how to do. ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हम डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर इस लैंग्वेज के लिए हम फिर डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज करते हैं कि ये जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सके. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज यूज करता है या अंडरस्टैंड करता है और लो लेवल लैंग्वेज जो है हम नहीं समझते, कंप्यूटर अच्छी तरह समझता है. ठीक है, तो इस वजह से हम डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज करते हैं. तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो इस प्रोग्राम को इस जब हम क्रिएट करते तो इस प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं. ठीक है, इस प्रोग्राम को जो हम डिफरेंट लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं इसको सोर्स कोड कहते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, इसलिए जो है हम इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पर डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था सोर्स कोड. अब जो है ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड ये है कि फ्रेंड जब हम ये सोर्स कोड डिफरेंट ट्रांसलेटर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करें कंप्यूटर की लैंग्वेज को, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है यानी मशीन लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करें, तो इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. हाई सोर्स कोड को जिस जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके या कन्वर्ट करें ट्रांसलेटर के थ्रू, डिफरेंट ट्रांसलेटर को हम जब यूज करें तो इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. ट्रांसलेटर क्या होता है फ्रेंड? तो अब हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं. लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं. तो फ्रेंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर जो है ओनली जो है समझता है मशीन लैंग्वेज को. ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, वन और जीरो के में. ठीक है, या अप और ऑन में होते हैं. तो ये अप और ऑन जो है या वन जीरो में जब आप जब हम इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़े इंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करते हैं तो फिर ये ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. इस वजह से जो है हम जो है ट्रांसलेटर यूज करते हैं और ये ट्रांसलेटर जो होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं और ये फिर जो है कंप्यूटर जो काम हम चाहते हैं वो हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेटर होते हैं हर एक लैंग्वेज की अपने ट्रांसलेटर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है. तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड होता है और ये सोर्स कोड हम डिफरेंट ट्रांसलेटर के थ्रू या पे डिफरेंट सोर्स कोड डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, फिर डिफरेंट इस लैंग्वेज का जो प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होता है, तो इस प्रोसेसर या ट्रांसलेटर के थ्रू ये कोड जो है ये सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर. सो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की जब हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर. द फर्स्ट वन इज असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ठीक है, तो कंपाइलर की बात हम करते हैं. यहाँ पे कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो है ये एक ट्रांसलेटर होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, एज अ होल, एज अ होल का मतलब ये है कि जब हम कंपाइलर यूज करते हैं एक लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए, हम जब कंपाइलर यूज करते हैं तो कंपाइलर से ये होता है कि कंपाइलर
तमाम कोड को जो है पहले स्कैन करता है। जब ये स्कैन करता है तो इसमें जो है अगर सिंटैक्स एरर हो या कोई और बग हो तो ये बग जो है आपको या जो एरर होता है ये आपको जो है दिखाता है। एग्जीक्यूशन से पहले आपको जो है चेक करता है कि इसमें ये एरर है। तो ये कंपाइलर जो है तमाम कोड को क्या करता है, स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद ये जो है आपको एरर दिखाता है, तो फिर एज अ होल इसको आपको जो है मशीन लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर, कंपाइलर प्रॉपर्टी। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एज अ होल। हाई लेवल लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज एज अ होल कन्वर्ट करते हैं। दूसरी ये है कि अगर सिंटैक्स एरर हो तो ये एग्जीक्यूशन से बिफोर में आपको दिखाता है, ठीक है। तीसरी ये है कि ये सोर्स कोड जो है अगर सोर्स कोड में एरर हो तो ये कंपाइल नहीं करता है। जो चौथा जो है ये एवरी लैंग्वेज जो है अपना अपना एक जो है कंपाइलर, हर एक लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है, ठीक है। कंपाइलर जो है ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। अगर C++ में आपने कोई प्रोग्राम रन किया होगा तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट कोड जब हम दूसरी कंप्यूटर पे हम रन करना चाहते हैं जिसमें कंपाइलर ना हो तो उस कंप्यूटर पे जो है आप रन कर, यहाँ पे एक सोर्स कोड C++ का मैंने कंपाइल किया तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करते हैं। जब आप इसको सेव करते हैं तो फिर अगर आपके पास ये कंपाइलर न हो C++ के और आप किसी दूसरी कंप्यूटर जिसमें C++ का कंपाइलर न हो तो फिर भी आप जो है वहाँ पे रन कर सकते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर पे जो है मशीन कोड जो है मशीन लैंग्वेज होता है और जो प्रोग्राम होता है वो भी मशीन लैंग्वेज में होता है। तो मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर सकता है या रन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फिर आप रन कर सकते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है ये भी एक ट्रांसलेटर के काम करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि ये एक स्टेटमेंट को रीड करता है, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या कंपाइल करता है, फिर दूसरे स्टेटमेंट, फिर यानी ये है कि ये लाइन बाय लाइन काम करता है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इंटरप्रेटर जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट और लाइन बाय लाइन काम करता है या लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये है कि ही जो इसमें अगर सिंटैक्स एरर या सोर्स कोड में कोई एरर हो तो ये आपको इंटरप्रेट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी है कि ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कंपाइलर में बताया कि वहाँ पे आपके लिए एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड अगर आप किसी ऐसी मशीन पे, ऐसी कंप्यूटर पे आप जहाँ पे कंपाइलर न भी हो तो वो भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ये है कि विजुअल बेसिक जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। कंपाइलर का जो C++ का है वो टर्बो C++ है, वह उसकी कंपाइलर जो है टर्बो C++ इसका कंपाइलर है, ठीक है। फिर हम आते हैं असेंबलर पे। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर की काम करता है, लेकिन असेंबलर जो है फिर इंस्ट्रक्शन आप असेंबली लैंग्वेज की जो होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।